राजधानी लखनऊ के ताज होटल में 15 रेस्पिरेटरी एंड मेडिकल अपडेट संगोष्ठी का आयोजन किया गया। बता दें कि इस संगोष्ठी के माध्यम से क्रिटिकल केयर अपडेट के लिए एक नया मंच प्रदान किया गया है। वहीं यह अपडेट भारत के उच्च संस्थानों को समायोजित करके यूपी में पहले फेफड़े के प्रत्यारोपण कार्यक्रम के साथ साथ आधुनिक क्रिटिकल केयर मैनेजमेंट को सफलतापूर्वक एकीकृत किया गया है। वहीं चेस्ट रोगों के निदान और प्रबंधन में व्यापक दृष्टिकोण और ज्ञान को प्रदान करने का एक प्रयास किया गया है। इसी क्रम में डॉक्टर बीपी सिंह ने कहा कि इस खतरे के नियंत्रण के लिए प्रभावी रणनीति विकसित करनी होगी। ये 15th रेस्पिरेटरी क्रिटिकल केयर अपडेट जो कि सूर्या फाउंडेशन और प्रेजिडेंट हेल्थ केयर रिसर्च सेंटर महानगर लखनऊ द्वारा आयोजित है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि सांस की संबंधित बीमारियों में जो आज की तारीख में चुनौतियां हैं उनको निपटने के लिए क्या क्या रास्ते आ रहे हैं, वैज्ञानिक रूप से क्या रिसर्च है उसके बारे में जो लेटेस्ट है वो हम जो प्रदेश के पूरे प्रदेश से इकट्ठे लगभग 500 डॉक्टर्स हैं उनको हम लोग इस मामले में एजुकेट करना चाहते हैं कि जो नई टेक्नोलॉजी है बहुत सारी चीज़ें नई नई आ गई हैं उनके बारे में बताएं। सबसे महत्वपूर्ण जैसे बात हो रही थी कि जैसे कोविड था तो उसमें बहुत बार लोगों को वेंटिलेटर से भी जब आराम नहीं मिला तो इकमो जैसी एक व्यवस्था है जो कि उन मरीजों को ऑक्सीजनेट कर देती है। फेफड़े का ट्रांसप्लांट अंतिम उपचार के रूप में बहुत सारी सांस की बीमारियों में उपलब्ध हो गया इस देश में। उसके बारे में और भी बहुत सारी बीमारियाँ जैसे टीबी है, ILD है, इन्फेक्शंस हैं बहुत सारे और क्रिटिकल केयर डिजीजेस के बारे में जानकारी देने के लिए क्रिटिकल केयर अपडेट 2023 के भव्य एवं गरिमामय सेमिनार में मैं उत्तर प्रदेश राज्य में आए हुए देश भर के अपने जो विशेषज्ञ चिकित्सक हैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए डॉक्टर बीपी सिंह जी का, उनकी पूरी टीम का हृदय से आभार प्रकट करते हैं और उम्मीद करते हैं सेमिनार के माध्यम से जरूर कुछ ना कुछ विशेषज्ञ अपने पेपर्स के माध्यम से देश के सामने नई चिकित्सा विधा का कुछ न कुछ हल निकालेंगे जिससे हम जो फेफड़े जनित रोग है उन पर शीघ्र हम निदान पा पाएंगे और अपने